हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने बहुत सुंदर फ्रंट ब्लॉक डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए, जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए, हमने ब्लाउज कट कर लिया है, तो देखिए हम ये डबल कलर बना रहे हैं। तो देखिये, हमारे ये पर्पल कलर का ब्लाउज है, इसपे हमारे देखिए गोल्डन कलर इस तरह से प्रिंट हो रखे है, और देखिये हमने ये गोल्डन कलर का लिया है, और इसपे हमारे देखिए इस तरह से फ्लावर बने हुए। देखिए, हमने जो गोल्डन वाला कट किया है, वो हमने देखिए सिर्फ एक ही, हमने इस तरह से सिंगल कट किया है, ये एक ही साइड का ही हमारा, तो इसे हम साइड में रखेंगे पहले। और देखिए, हमने ये लाइनिंग और हमने ब्लाउज दोनों कट किया है इसका, मैं आपको इसका साइज बता देती हूँ। देखिए, इसकी जो लंबाई हमने 14 इंच ली है, और देखिए ये हम 32 साइज का बना रहे हैं, तो डबल फोल्ड में 8 इंच लगी, 2 इंच हमारा इसमें मार्जिन है। और देखिये, ये हमारा फ्रंट ओपनिंग है, आप बैक ओपनिंग भी रख सकते हैं इसको। तो देखिए, शोल्डर से 3 इंच निशान आ रहे थे, इससे जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से बुलाई दे देते। देखिए इस तरह से इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। देखिए, जो हमने गोल्डन वाला कपड़ा लिया है, वो हमने देखिए इस तरह से लिया है, इसके ऊपर रखेंगे अपने से भी। देखिए इस तरह से, और देखिए नेक की यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से नीचे सीधा रखेंगे पहले ब्लाउज को, और देखिए जो हमने ये अलग गोल्डन वाला कट किया है, वो देखिए हमारे इस साइड आएगा। तो देखिए इस तरह से, और देखिए इसमें हमारा फिनिशिंग देंगे पहले हम, तो देखिए नीचे फिनिशिंग दे देंगे हम इसमें, तो इसके बाद हम इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, तो हम लाइनिंग रखेंगे इस तरह से, और देखिए नेक में हम फिनिशिंग देंगे, और उसके बाद हम इसे पलट देंगे अंदर की साइड, जैसे कि हमारी पूरी नेक पे फिनिशिंग आ जाएगी। और बाद में इसमें हम उकाई की पट्टी करेंगे, पहले हम इस लाइट इस ब्लाउज में गोल्डन वाले में फिनिशिंग दे देंगे इस साइड। और देखिए इसमें हम इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरह से हमारा इस तरह से रहेगा, और यहाँ से हमारा इस तरह से क्रॉस में आएगा। देखिए इस तरह से ये हमारे इस तरह से रहेगा। देखिए, जो हमने गोल्डन वाला एक साइड का मैंने कट किया था ब्लाउज, उसमें हम पहले फिनिशिंग देंगे। तो हम देखिए हमने ये पट्टी लिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम फिनिशिंग दे देंगे। देखिए, हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी, सेम इस तरह हम यहाँ पे भी फिनिशिंग देंगे। देखिए, हमने नीचे फिनिशिंग दे दी, सेम इसी तरह हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दी। अब हम इसके ब्लाउज तैयार करेंगे, जो हमने नीचे का कट किया था। देखिए, हमने ये ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे, पूरे नेक पे हम सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर दी, अभी से हम इस तरह से अंदर की साइड पलट देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी, अब यहाँ पे हम हुक की पट्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी ली है 2.5 इंच छोड़ी, इसे हम इस तरह से रखेंगे। और देखिए ये
यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई करेंगे, इसको हम ऊपर रख देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी साइड वाला भी तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने नेक पे फिनिशिंग दे दी, अब यहाँ पे हम आई की पट्टी बनाएंगे। देखिए हमने लाइनिंग और ब्लाउज की हमने पट्टी ली है इस तरह से, और यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर फोल्ड करते हुए आई की पट्टी बनाएंगे। इस तरह से हमने आई की पट्टी बना दी। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे, तो हम इसमें बिना कट के प्रिंसेस कट के पॉइंट देंगे। हम देखिए ऊपर से शोल्डर से हम यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम 3 इंच पे, नीचे 4 इंच पे, और देखिए आर्म होल से 5.5 इंच पे देख सकते इस तरह से। और इसको हम तीनों को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं एक साथ। देखिए इस तरह से, देखिए जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने प्लेट डाल दिए, अब इसको भी हम सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने दोनों साइड इस तरह से प्रिंसेस करके पॉइंट दे दिए, हमने सिलाई भी कर दी ऊपर भी, और नीचे हम फिनिशिंग देंगे। तो हमने ये अलग से पट्टी लिए 2 इंच चौड़ी, और इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे फिनिशिंग दे देंगे। देखिए हमने दोनों साइड फिनिशिंग दे दी, अब इसमें हम लेस लगाएंगे। देखिए हमने ये लेस ली है मल्टी कलर में, तो आप देख सकते हैं हमारे इसमें कई कलर है, तो इस तरह से हम ये पूरे पे लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से नेक से लेके, और देखिए इस तरह से हम गोल्डन वाले पे लगाएंगे। इसे हम इस तरह से रख लेंगे पीछे की साइड, और इस तरह से पूरे नीचे तक लगाएंगे हम। देखिए हमने नेक पे लेस लगा दी, और देखिए हमने इस साइड पूरे पे लेस लगा दी नीचे तक, आप देख सकते हैं इस तरह से। और देखिए हमने ये प्रिंसेस करके देखिए सिलाई भी कर दी, और देखिए हमने हुकाई की पट्टी बना दी यहाँ पे, और ये देखिए हमारा इस तरह से ओपन रहेगा ये पूरा इस तरह से। देखिए सिर्फ नेक पे हमारा इस तरह से अटैच रहेगा, बाकी हमारा ओपन रहेगा नीचे तक पूरा। तो आप इस तरह से ये सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं फ्रंट का। अगर आप सभी को ये डिजाइन अच्छी लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसे